नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल इंडियन कुकिंग सीक्रेट्स वाई सावित्री में स्वागत है। आज मैं बेसन का चीला जो बनाने जा रही हूँ उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। चीला कभी भी खाने का मन होता है, सुबह नाश्ते में या शाम को चाय के साथ, जब आपको छोटी मोटी भूख लगे, या बच्चों को तो खा सकते हैं। ये कटोरी ही मैंने बेसन डाल दिया है इसमें, और आधी कटोरी गेहूँ का आटा। गेहूं का आटा तो सभी के यहाँ होता है किचन में, जिसकी रोटी बनाते हैं। और टेस्ट के अनुसार नमक और ये थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च आपको न डालनी हो तो आप मत डालें। और ये धनिया, फ्रेश धनिया कटी हुई, और थोड़ा सा हरा प्याज। और खुशबू और जायकेदार बनाने के लिए इसमें हींग, मैंने हींग डाल दी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डालते हैं कि इसमें गुठली न पड़ जाए, कहीं इसमें कांटे न पड़ जाएं, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हैं। और ये मैंने पानी डाल दिया, आपकी मर्जी है। अगर आपको लाल मिर्ची डालनी हो तो आप लाल मिर्ची डाल सकते हैं। ये तैयार हो गया है, देखिए ये ऐसा ही इसका बैटर होता है। ये 10 मिनट के लिए थोड़ा हम रेस्ट के लिए रख देते हैं ताकि इसका रवा फूल जाए। दोस्तों अब चेक करते हैं तवा ज़्यादा गर्म तो नहीं है, नहीं तो हमारा चीला ख़राब हो जाए। इसको इसमें पानी डाल लें, इसका टेम्परेचर नापने के लिए इसमें पानी डालते हैं कि कहीं ज़्यादा तो गर्म नहीं है कहीं ये तवा। और इसमें थोड़ा सा तेल ग्रीस कर देंगे, ऑयल इसमें ग्रीस कर देंगे हल्का सा, और फिर इसको टिश्यू पेपर से ऐसे साफ कर लेंगे। बस एक बार लगाने की ज़रूरत है, उसके बाद नहीं पड़ेगी। आप लोहे की तवा में भी बना सकते हैं, मेरे पास ये है। अभी तक तो मैं लोहे की तवा में बनाती थी, अब है तो इसी में बना रही हूँ। तो दोस्तों आप चीला बनाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम तवे को चेक करते हैं कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं है। इसकी हीट कम करने के लिए इसमें पानी थोड़ा सा डालते हैं ताकि चीला कहीं कम और ज़्यादा, कहीं कम पक जाए कहीं ज़्यादा हो जाए, जल जाए, ऐसा तो नहीं है। थोड़ा सा इसमें ऑयल ग्रीस कर देते हैं, और ऑयल ग्रीस करने के बाद उसे टिश्यू पेपर से या साफ कपड़े से इसको साफ कर लेते हैं। अब इसमें चीला बनाने की, अब इसमें डालते हैं बैटर। ये चीला बनने के लिए इसको मीडियम हाई फ्लेम में बनाना चाहिए, ऐसे थोड़ा। अगर ज़्यादा इधर उधर बैटर हो जाए तो इसको ऐसे थोड़ा यहाँ कर दो तो पूरा बैटर मिल जाता है एक साथ में, और ये चीला बन रहा है मीडियम हाई पर। ये सिकने में 2-3 मिनट लगेंगे। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये सॉफ्ट रहे और अच्छा लगे। चीला तो फटाफट जल्दी से बन जाता है, सुबह नाश्ते में बना लो या शाम के चाय के टाइम, जब भी आपकी मर्जी हो, जब छोटी मोटी भूख लगी हो तब आप इसको बना सकते हैं। और इसमें ये मैंने चीला के आसपास से वो लगा दिया है तेल, ये बन रहा है अभी। अब इसको देखते हैं, चेक करते हैं, ये अभी थोड़ा कम है, दिख रहा है। जब ये सिक जाएगा तो ऊपर इसमें निशान आ जाएंगे। अगर कम ज़्यादा आंच लग रही है दोस्तों तो इसको इस तरह से इस तवा को पकड़ के हाथ में हैंडल से अपनी सुरक्षा को देखते हुए, और इसको इस तरह से घुमा दें गैस के ऊपर ताकि इसमें बराबर से गैस की आंच लग जाए। ये सही एकदम परफेक्ट बने और सबको पसंद आए।
अब इसको इसका पलटने का टाइम आ गया है, ये नीचे से पक चुका है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, कितना अच्छा बना है, क्रिस्पी क्रिस्पी। अब इसको ऊपर से जो पलट दिया है वो उसको भी नीचे सिकने देते हैं, वो सिक जाएगा, उसके बाद उसमें कुछ टॉपिंग करेंगे। देखिए दोस्तों ये दोनों साइड से सिक चुका है, कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। इसको देख के कोई भी खाने के लिए मना नहीं करेगा। अब इसमें मैं थोड़ी सी टॉपिंग कर दूंगी, कुछ थोड़े मसाला डाल दूंगी इसमें। ये मसाला डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। मैं इसमें थोड़ा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिया है, थोड़ा सा हरा वाला प्याज बिल्कुल हल्का सा, और थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो ये डाल दिया। अभी खाने के लिए एकदम रेडी है, तैयार है। देखिए दोस्तों कितना क्रिस्पी हो गया है, देखिए दोस्तों देखिए ये परफेक्ट है। प्लीज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप एक बार इस तरीके से बनाना से बनाएं और मुझे कमेंट करके शेयर करें प्लीज।
ये महाराजा चीला। Thank you.